स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रविवार को 2000 के नोट बदलने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। भारत के सबसे बड़े बैंक ने कहा है कि नोट बदलने के लिए किसी आईडी की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्म भी नहीं भरना होगा। एक बार में 10 नोट बदले जा सकेंगे। स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन इसलिए जारी किया है क्योंकि सोशल मीडिया पर नोट बदलने को लेकर अलग अलग जानकारियां दी जा रही थी। कहा जा रहा था कि नोट बदलने के लिए आधार जैसी कोई आईडी जरूरी होगी और फॉर्म भी भरना होगा। इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान कर दिया था। आरबीआई ने 30 सितंबर तक ऐसे नोटों को बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है। बैंक ने यह भी कहा है कि ये इसके बाद भी लीगल रहेगा। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से 2000 के नोट बदलने को लेकर एक नोटिस जारी किया गया। इसमें कहा गया कि 20,000 रुपए तक या 2000 के 10 नोट बदलने के लिए किसी भी प्रकार का फॉर्म या स्लिप भरने की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक की ओर से जारी नोटिस में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 20,000 रुपए तक के 2000 रुपए के नोट बदलवाते समय आपको किसी भी प्रकार की आईडी प्रूफ की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे में ग्राहकों को नोट एक्सचेंज कराते समय किसी भी प्रकार का आईडी प्रूफ ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से 19 मई 2023 की शाम को 2000 रुपए का नोट वापस लेने की घोषणा की गई थी। केंद्रीय बैंक द्वारा कहा गया था कि नोट वापस लेने के बाद भी ये लीगल टेंडर रहेगा। आम जनता 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक अपने पास मौजूद 2000 रुपए के नोट को एक्सचेंज करा सकती है। आरबीआई की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि एक बार एक व्यक्ति अधिकतम 20,000 रुपए या 2000 रुपए का अधिकतम 10 नोट ही एक्सचेंज करा सकता है।